हम दुनिया के सबसे बड़े जनतंत्र हैं, इस बात से तकरीबन हर व्यक्ति वाकिफ है। लेकिन इस जनतांत्रिक व्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए सबसे जरूरी इस बात पर हम कितना ध्यान देते हैं। जनतंत्र का मतलब होता है हमारे द्वारा, हमारे लिए, हमारी शासन व्यवस्था। इस पूरी व्यवस्था की बुनियाद है आम व्यक्ति, यानी हमारे आपके जैसा नागरिक। अब सवाल है कि इस व्यवस्था को चलाने में हमारी क्या भूमिका है। हमारी भूमिका होती है ग्राम पंचायत से लोकसभा स्तर तक के चुनावों में मतदान कर प्रतिनिधियों को शासन चलाने के लिए चुनना। इन सब चुनावों में 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति मतदान से अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। ये एक अहम काम है जिससे हमारे भविष्य की दिशा तय होती है। इसलिए जरूरी है कि हर वयस्क व्यक्ति चुनावों में हिस्सा ले। इतने बड़े देश में चुनावों के संचालन का काम जो संवैधानिक संस्था करती है उसे निर्वाचन आयोग कहते हैं। आयोग चुनाव का संचालन करता है और मतदाताओं की सूची तैयार करता है। जरूरी है कि सूची में हर बालिग व्यक्ति का नाम हो, तभी यह व्यवस्था ठीक तरह से काम कर पाएगी। चुनाव आयोग मतदाताओं की सूची अद्यतन करने का काम लगातार करता रहता है। ये एक निरंतर प्रक्रिया है। चुनाव जैसी एक बड़ी व्यवस्था की सफलता और उसके चुस्त दुरुस्त होने के लिए जरूरी है कि उसकी बुनियाद मजबूत हो। हमारे चुनाव की बुनियाद है BLO या बूथ स्तरीय अधिकारी। नमस्कार, मैं सैयद मकसूद लोक निर्माण विभाग सहायक टीम के पद पर कार्यरत हूँ, विधानसभा 153 के 126 बूथ का BLO। मैं सुधीर रॉबर्ट मेस्टन प्रातः तभी लेखा रेवन संग्रह में छाया चित्रकार के पद पर कार्यरत हूँ, 150 विधानसभा बूथ नंबर 9 पर मैं BLO हूँ। BLO स्थानीय स्तर का शासकीय अधिकारी होता है जो जमीनी स्थिति से पूरी तरह वाकिफ होता है। BLO न केवल मतदाताओं को जानता है बल्कि इलाके से भी परिचित होता है। मतदाता सूची में नाम जोड़ने का काम साल भर चलता रहता है। BLO आपकी सुविधा के लिए है। BLO निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। देखिए, मतदाताओं का हक है कि उनका नाम मतदाता सूची में आना चाहिए और वो अपने मत का इस्तेमाल करें। ज़रूरी है किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन के लिए आप वहाँ के BLO से सतत संपर्क बनाए रखें, उसको आवश्यक सहयोग प्रदान करें, क्योंकि BLO आपके क्षेत्र की मतदाता सूची को दुरुस्त कर रहा है। यदि वहाँ पर नाम जोड़ना है, काटना है या संशोधन करना है, संपूर्ण प्रक्रिया वो कर रहा है। जब भी BLO आपसे संपर्क करता है उसको आवश्यक सहयोग प्रदान करें। BLO आपके लिए है, आपके क्षेत्र की मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिए है। एक नागरिक होने के नाते आपका फर्ज है कि यदि आप 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के हैं तो आप अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराएं और मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग करें। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि मतदाता सूची में आपका नाम हो, आपके पास मतदाता फोटो पहचान पत्र हो। बिना मतदाता सूची में नाम के आप वोट देने के अपने हक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारी बहू का नाम नहीं है, कैसे आएगा बताओ? पर्चे पत्र कैसे बन सकते? जो हमारा पत्र बनता है इसका हमको पता नहीं कहाँ से मिलता है। मैं भी वोट देना चाहती हूँ, वोट में नाम नहीं, मैं क्या कर सकती हूँ? मैं 18 साल का हो चुका हूँ, मैं वोट डालना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ? यदि आप 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं तो आपको संबंधित BLO के यहाँ जाकर फॉर्म 6 भरना चाहिए। फॉर्म 6 के साथ में आपको 2 फोटोग्राफ्स, निवास संबंधी दस्तावेज एवं जन्मतिथि संबंधी दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होता है। इससे फील्ड वेरिफिकेशन करने में BLO को आसानी होती है। इससे आपका नाम मतदाता सूची में आ जाता है और मतदाता सूची में नाम आने के पश्चात आपको फोटो परिचय पत्र प्रदाय कर दिया जाता है। इसके लिए समय समय पर अभियान भी चलाए जाते हैं। हाल ही में इंटरनेट के माध्यम से भी यह सुविधा दी गई है, कोई व्यक्ति अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकता है। ये फॉर्म आयोग की वेबसाइट www.ceomadhyapradesh.nic.in पर भी मौजूद है। अब आप वयस्क हो चले हैं, अपने देश, प्रदेश और इलाके के विषय में होने वाले फैसलों में आपका हिस्सा होना चाहिए। इसलिए अपना मतदाता पहचान पत्र जरूर बनवाएं और चुनावों में पूरी भागीदारी करें।
क्या एक आदमी का एक से ज्यादा परिचय पत्र बन सकता है? क्या एक व्यक्ति के पास एक से अधिक पहचान पत्र हो सकते हैं? जी नहीं, एक मतदाता का एक ही फोटो परिचय पत्र होना चाहिए। एक से ज्यादा फोटो परिचय पत्र होना रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1960 की धारा 50 के तहत दंडनीय है। याद रखिए, आपका नाम एक मतदाता सूची में होना चाहिए। एक से ज्यादा मतदाता सूची में यदि आपका नाम है तो उसके लिए आप विधिवत फॉर्म 7 भरें और भर के संबंधित बीएलओ को दें, उससे आपका नाम अन्य क्षेत्र से कट जाएगा। यदि आपके पास में जानकारी है कि आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति रह रहा है जिसका नाम दो मतदाता सूची में है तो उसके बारे में भी आप फॉर्म 7 भरकर संबंधित बीएलओ को दें, उससे उसका नाम कट जाएगा। विधानसभा क्षेत्र बदलने पर क्या करना चाहिए? पहले बारवाखड़ी में रहते थे हम, अब यहाँ पे आए, हमारा पता बदल गया, क्या करना? यदि आप एक ही विधानसभा से दूसरे विधानसभा क्षेत्र में चले गए हैं तो आपको वहाँ पर फॉर्म 6 भरना होगा, और यदि आप एक ही विधानसभा के अंतर्गत आपका स्थान या निवास बदल गया है तो आपको फॉर्म 8 का के अंतर्गत कार्रवाई करनी होगी। हमारे घर में नई दुल्हन आई है, उनका नाम कैसे जुड़ेगा? यदि विवाह होने के बाद पता बदले तब? मेरी शादी हो चुकी है, मेरा पता बदल चुका है, इसलिए मुझे क्या करना चाहिए? यदि आपका विवाह हो गया है, आपका स्थान परिवर्तन हो गया है, तो जिस स्थान पर आप गए हैं वहाँ पर आप फॉर्म 6 भरें। फॉर्म 6 हमारे संबंधित बीएलओ ओब्लिक जो निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी है उनके पास उपलब्ध रहता है। फॉर्म 6 भरते समय आपको दो फोटोज देने हैं, साथ में निवास एवं आयु प्रमाण पत्र संबंधित दस्तावेजों को जमा करना होता है। इससे बीएलओ को फील्ड वेरिफिकेशन करने में आसानी होती है। हमारा पहचान पत्र गुम हो गया है, ये कहाँ से बनेगा? मेरा पहचान पत्र खो गया है, मैं दूसरा पहचान पत्र बनवाने के लिए क्या करूँ? फोटो पहचान पत्र गुम हो गया है तो उसके लिए आयोग ने प्रावधान किए हुए हैं। आप संबंधित थाने में FIR दर्ज कराएं और आयोग द्वारा निर्धारित 12 रुपये का शुल्क जमा करने के पश्चात आपको डुप्लीकेट परिचय पत्र प्राप्त हो जाएगा। आयोग के अभी ये भी निर्देश आए हैं कि यदि आप FIR दर्ज नहीं करा पाए हैं तो आप उनके द्वारा निर्धारित एक घोषणा पत्र को भरें, उस भरने के पश्चात निर्धारित शुल्क राशि जमा करने के पश्चात आपको डुप्लीकेट परिचय पत्र प्राप्त हो जाएगा। यदि पहचान पत्र में गलत जानकारी हो तब? मेरे पहचान पत्र में ये जानकारी गलत दे दी गई, इसके लिए आप मैं क्या करूँ? मतदाता कार्ड में उम्र कम है तो वो कैसे बढ़ेगी? देखिए, यदि आपके फोटो परिचय पत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि हो, जैसे आपके नाम में, आपके पिता या पति के नाम में, आपकी आयु में, आपके निवास स्थल में, तो इसके लिए प्रारूप 8 भरा जाता है। प्रारूप 8 भरने के पश्चात आप उसमें टिक करते हैं कि किस गलती को हमें सुधारना है, और उसके पश्चात आप जब फॉर्म बीएलओ को देते हैं कुछ समय पश्चात आपको संशोधित फोटो परिचय पत्र प्राप्त हो जाता है। पहले बरेली में थे, हमारा परिचय पत्र था, अब यहाँ आए तो यहाँ कैसे बने? जो व्यक्ति बाहर से आके यहाँ रह रहे हैं 2-3 साल पहले से, उन लोगों का वोटर लिस्ट में नाम कैसे आना चाहिए? देखिए, यदि आप पूर्व में किसी अन्य राज्य के मतदाता रहे हैं एवं आपके पास में वहाँ पर फोटो परिचय पत्र था, तो अब आप इस राज्य के जिस स्थान पर आप निवासरत हैं वहाँ पर फॉर्म 6 भरें। उस फॉर्म 6 में घोषणा वाले पार्ट में आप इस चीज़ का विशेष रूप से उल्लेख करें कि आप पूर्व में किस राज्य में किस विधानसभा के मतदाता थे, और आपका फोटो परिचय पत्र का क्रमांक इसमें आपको उल्लेखित करना होगा। इसके पश्चात ऑटोमेटिक जो संशोधन आप चाहते हैं उसमें हो जाएगा। याद रखिए कि फोटो परिचय पत्र में जो नंबर है वो यूनिक नंबर है, वो एक ही बार मिलता है। कुछ इन्फॉर्मेशन को आप सुधार सकते हैं, बदल सकते हैं, लेकिन फोटो परिचय पत्र का नंबर वही रहेगा। साहब, आपने जो फार्म बताया हमारे कि 6 नंबर 7 नंबर फार्म ये भराएंगे, 8 नंबर, ये कहाँ से ये फार्म मिलेंगे हमें और कहाँ जमा होंगे? ये समस्त प्रकार के जो फॉर्म्स हैं हमारे बीएलओ के पास उपलब्ध हैं और ये निःशुल्क प्रदाय किए जाते हैं। निर्वाचन आयोग का जो बीएलओ बताया जा रहा है, ये बीएलओ हमको कहाँ मिलेगा? हमारा बीएलओ आपको कहाँ ढूंढेंगे? हमारा बीएलओ कौन है? बीएलओ आपके निवास क्षेत्र का ही के बीच में ही रहने वाला एक व्यक्ति है जो आयुक्त द्वारा अपॉइंट किया गया है। उसके पास में सारे प्रकार के फॉर्म उपलब्ध रहते हैं। वो हमारे मतदाता सूची से संबंधित समस्त दस्तावेजों का एक कस्टोडियन भी है, अतः उसका भरपूर इस्तेमाल करें और उससे समय समय पर उसको अपडेट करते रहें। जो भी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, नाम जुड़वाना है, नाम कटवाना है या फोटो परिचय पत्र में संशोधन करना है, ये समस्त जानकारी उसको दें। ये सारी जानकारी को ठीक कराने की जिम्मेदारी बीएलओ की है। यदि आपको बीएलओ के बारे में जानकारी नहीं है तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट को कृपया देखें, वेबसाइट में सभी बीएलओ के बारे में जानकारी उपलब्ध है। सुनने में आया कि हमारा विधानसभा क्षेत्र बदला गया है, अब कौन सा विधानसभा लगेगा ये हम कुछ जानकारी नहीं है। देखिए, परिसीमन के पश्चात अधिकांश विधानसभाओं की बाउंड्री क्षेत्र में कुछ न कुछ बदलाव आया है, और यह भी प्रायः सुनने में आता है कि बहुत से मतदाताओं को आज की स्थिति में पता नहीं रहता कि वो किस विधानसभा के किस मतदान केंद्र के मतदाता हैं। इसके लिए आयोग ने वेबसाइट में वोटर लिस्ट को पब्लिश कर रखा है,
उसमें आप अपना नाम देख सकते हैं। इसके अलावा आयोग ने ये भी व्यवस्था की है कि चुनाव के दौरान में आप SMS के माध्यम से अपना विधानसभा और अपने मतदान क्षेत्र क्रमांक एवं आपका सरल क्रमांक, इसके बारे में भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बट इसके लिए आवश्यक है कि आपके पास में आपका फ़ोटो परिचय पत्र होना चाहिए, क्योंकि फ़ोटो परिचय पत्र में जो यूनिक नंबर आपको प्राप्त हुआ है उसी के माध्यम से आपको SMS करने के पश्चात यह जानकारी प्राप्त हो सकती है। इसके अतिरिक्त विधानसभा के किसी मतदान केंद्र के बारे में किसी प्रकार की जानकारी यदि आपको चाहिए तो उसके लिए कॉल सेंटर बनाए गए हैं, उनके माध्यम से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके फोटो पहचान पत्र में कोई गलती हो या आपको मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराना हो या कोई संशोधन कराना हो तो आप निडर होकर BLO से संपर्क करें। संबंधित फॉर्म के लिए आपको किसी तरह के भुगतान की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, आपको पता है ना, आजकल वोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से देते हैं। ये मशीन अत्याधुनिक है, इसमें अलग अलग प्रत्याशियों के चुनाव चिन्ह होते हैं। आपके बूथ में जाने के बाद बूथ अधिकारी एक बटन दबाता है, एक आवाज होती है और इस आवाज के बाद आपको सिर्फ अपनी पसंद के प्रत्याशी के नाम के आगे लगे बटन को दबाना होता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोट करना बिल्कुल आसान काम है। आप बेधड़क होकर इसका प्रयोग करें, इससे आपका काम तुरंत हो जाता है। बदलते जमाने के साथ वोट देने के तरीकों में भी बदलाव लाजमी था। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या EVM एक बेहद सुरक्षित मशीन है। इससे आपका वोट न तो बेकार होता है और न ही कोई हेर फेर हो सकता है। ये मशीन पूरी जांच के बाद मतदान केंद्र तक पहुंचाई जाती है। पीठासीन अधिकारी इसे प्रत्याशियों के नुमाइंदों के सामने सील करते हैं। सबके पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद ही मतदान शुरू होता है। EVM से वोट डालना बेहद आसान है, पर आप ध्यान रखें, अपनी पसंद के प्रत्याशी के नाम के सामने बटन दबाने पर बीप की आवाज होना जरूरी है, तभी आपका वोट दर्ज होगा। चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी प्रकार की शासकीय एवं अशासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, दीवारों पर नारे आदि लिखना मध्य प्रदेश संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 के अधीन दंडनीय है। ये दंड 1,000 रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। इस तरह के किसी भी काम से आपको बचना चाहिए। याद रखें, चुनाव लोकतंत्र की बुनियाद है। एक जागरूक नागरिक होने के नाते आपको अपने मत का प्रयोग कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सेदार होना चाहिए। अपने मत का प्रयोग अवश्य करें।